देवास जिले के विजयगंज मंडी के शासकीय हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर प्रभारी हर समय रहती हैं मौजूद अस्पताल में, साथ ही शासकीय परिसर में बने हुए क्वार्टर में ही रहती हैं हमेशा, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिल सके सही समय पर उपचार। देवास जिले के विजयगंज मंडी में शासकीय हॉस्पिटल है। यहाँ पर करीब 30 गाँव के हजारों स्थानीय रहवासी, महिला, पुरुष, बच्चे उपचार करवाने के लिए समय समय पर इस शासकीय अस्पताल में पहुंचते हैं। पर जब से इस शासकीय हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर प्रभारी पहुंची हैं, तब से वह निरंतर हॉस्पिटल में उपस्थित रहती हैं, साथ ही शासकीय क्वार्टर मिला हुआ है उसमें हमेशा मौजूद रहती हैं। इन महिला डॉक्टर प्रभारियों का ऐसा मानना है कि अगर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बेहतर तरीके से करे तो वह जरूरतमंद और बीमार लोगों की सही समय पर उपचार कर उनका जीवन बचा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है और अपनी सेवा अपने कार्यकाल को यादगार बना सकता है। उसी को लेकर मैं इस हॉस्पिटल में जब से पदस्थ हुई हूँ तब से यही रहती हूँ और शासकीय क्वार्टर पर हमेशा मौजूद रहती हूँ ताकि यहाँ आने वाले मरीजों का उपचार सही समय पर हो सके। बताइए, क्या नाम है आपका? पवन। कहाँ से आई हैं आप लोग? हाइफा से। अच्छा, अभी किसके साथ आई थी आप? ममता। अच्छा, शासकीय हॉस्पिटल में आई थी यहाँ इलाज कराने के लिए? इलाज नहीं, नानी के, नानो। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया तरीके से हो गए? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं उनके द्वारा सुनवाई की गई इलाज वगैरह? अच्छा, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? दिक्कत कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगे? आपने बताया था परेशानी वगैरह, तो आपकी सुनवाई हुई? नहीं नहीं, हमने तो बताया आपको नहीं कि पैसा पड़ी वो, हमारे तो ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा, पैसे वैसे कुछ नहीं मांगे? नहीं। और सारे लोग यहाँ मिल गए थे, डॉक्टर वगैरह सारे? हाँ, लोग हमारी नर्स वगैरह सारे? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? संतुष्ट है? अच्छे हो इलाज? चलो बधाई हो आप सबको। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? संजय परमार। संजय भैया, कहाँ रहते हैं आप? कायथा। कायथा रहते हैं? अच्छा, अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में, क्या नाम है हॉस्पिटल का, कहाँ पर आए हुए थे आप? यहाँ मंडी में। अच्छा, विजयगंज मंडी में। विजयगंज। किसके साथ आए हुए थे? यहाँ तो हम हमारे परिवार के साथ ही आए थे और आशा करती को लेकर आए थे। अच्छा, फिर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं आई ना? कुछ भी दिक्कत और कुछ भी परेशानी नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो स्टाफ वगैरह डॉक्टर यहाँ पर जो मिल गए थे? सब मिल गए थे। बढ़िया तरीके से उपचार हुआ? हाँ, बढ़िया तरीके से। जो शासन की जो योजनाएं रहती हैं उसके तहत उपचार होता है, यहाँ पर कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। कब आए थे आप? ये आज सुबह में आए। अच्छा, 7 बजे। डिलीवरी हो गई? बढ़िया, नॉर्मल हो गई डिलीवरी? कोई समस्या वगैरह पर कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, कुछ भी दिक्कत कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, वो यहीं पर ही रहती हैं मौजूद ताकि मरीजों का उपचार हो सके, तो क्या कहेंगे, अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छा, किस प्रकार से फ़ायदे होते हैं जब डॉक्टर यहाँ पर रुकती हैं तो? यहाँ तो बहुत, ये तो पता नहीं यार, देखो हम तो। वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज़ चैनल पर आज एक ऐसी डॉक्टर्स हैं मौजूद हैं जिन्होंने चुना कि इस क्षेत्र में रहकर जो है आम लोगों की मदद की जाए, साथ ही लोगों के दुख दर्द समस्या उपचार के माध्यम से समाप्त किए जाएं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वो डॉक्टर्स मौजूद हैं। किस प्रकार से उनके मन में ख्याल आया कि इस प्रकार से जो है डॉक्टर बनाया जाए और साथ में फिर जो है जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, वहाँ पर लोगों की सेवा की जाए और लोगों का उपचार कर उनकी मदद की जाए। साहब, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका और कहाँ पर आप अभी वर्तमान में डॉक्टर के तौर पर पदस्थ हैं? मेरा नाम डॉक्टर संधु आर्या है और मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पर CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयगंज मंडी में पदस्थ हूँ। साहब, कब से आप यहाँ पर पदस्थ हैं और कितने वर्षों से आप यहाँ पर अभी निरंतर सेवाएं ले रही हैं? मैं यहाँ पर मार्च से यहाँ पर आई हूँ। वैसे मेरी पोस्टिंग हो गई थी, मेरी 11 फरवरी को हो गई थी मेरी ज्वाइनिंग, बट यहाँ पर मैं पहले बरोठा में थी, फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। 1-2 महीने बाद में यहाँ पर मार्च में आ गई थी, 9 मार्च अराउंड। साहब, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया और हमने यहाँ पर देखा भी सही कि यहाँ पर आप, एक छोटा सा कस्बा है विजयगंज मंडी क्षेत्र, यहीं पर आप जो शासकीय क्वार्टर है उसी में आप रहते भी हैं और चूंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पर आप लोगों की सेवाएं भी दे रही हैं, तो क्योंकि किस प्रकार इतनी संघर्ष के साथ इतनी परेशानी या इस प्रकार से छोटी सी जगह में आपको कैसा लगता है? देखिए, जब पेशेंट खुश होकर जाते हैं, एक क्रिटिकल केस सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है। पेशेंट और उनके अटेंडर का बहुत अप्रिशिएशन मिलता है और बस उनका आशीर्वाद मिलता है, इसलिए यहाँ पर टिके हुए हैं और यहीं क्वार्टर में रहते हैं हम, 24 घंटे रहते हैं।
बस उन्हीं का, यहाँ की मंडी का बहुत प्यार मिलता है हमको, इसीलिए हम लोग टिके हुए हैं। तो देखा जो है यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, जो अभी यहाँ के जो हॉस्पिटल के इंचार्ज के रूप में व्यवस्थाओं को संभाल रही हैं, वह वर्षों वर्ष से इसी क्वार्टर में रहती हैं, इसी हॉस्पिटल का रखरखाव करती हैं और यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनका बेहतर तरीके से उपचार करती है। प्योर रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।